लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों से बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई भी शुरू। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जबलपुर शहर सहित जिले की नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू। जबलपुर पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं, जबकि ये सभी लोग जीवित हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले हनुमानताल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके क्षेत्र में एमपी ऑनलाइन का काम करने वाले युवक को मजदूरी कार्ड बनाने के लिए दस्तावेज और 5,000 रुपये दिए थे। सैयदा जी, वो आई, उन्होंने बताया कि मैंने 2020 में अपना मजदूरी कार्ड बनवाया था और मुझे अभी थोड़े दिन पहले, जैसे मोहल्ले में चर्चाएँ होती हैं कि एक जिस दुकान से उन्होंने बनवाया था, जिसका जो दुकान जो कियोस्क चलाने वाला लड़का है, इसका नाम है शेख शहजाद, ये आधारताल का निवासी है, तो उनको ऐसा पता चला कि ये लड़का जो है फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है। तो इन्होंने ऐसे ही अपना जब चेक कराया तो इनको ये पता चला कि इनका भी एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है। हमने इनकी जब कंप्लेन आई, उसको हमारी टीम में, हमारी एडिशनल एसपी सिटी, सीएसपी गोवलपुर, हमारे टीआई हनुमानताल मानस, सब इंस्पेक्टर रविंद्र और हमारे जो थाने की जो टीम है जिसमें सचिन और अमित, जय किशोर, सौरभ, दुर्गेश, ये सभी हमारे जो स्टाफ और ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने अच्छी कार्रवाई की। धीरे धीरे इस प्रकरण को इन्वेस्टिगेट किया, उस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी तक 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मिले हैं। इसमें ये लोग क्या करते थे कि ये जो शेख शहजाद का एक कियोस्क था, उस कियोस्क पे जो लोग मजदूरी कार्ड बनवाने आते हैं नगर निगम के लिए, उनसे ये सारी डिटेल ले लेता था मजदूरी कार्ड बनाने के लिए। तो उसमें आपकी पासपोर्ट, आपका समग्र आईडी, आपका आधार कार्ड, ये सारी डिटेल लेके फिर उसके बाद ये लोग उस इन्फॉर्मेशन, उन फोटोग्राफ्स को, आधार कार्ड को एडिट करते थे। एडिट करने के बाद छत्तीसगढ़ में इनका एक और इसी तरह का गिरोह है और दोस्त हैं इनके, उनके साथ मिलके ये वहाँ से एडिटेड मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे और ये 6,000 अंत्येष्टि का और 2,00,000 सहायता राशि जो मिलती है नगर निगम से, उसको क्लेम करते थे। अभी तक की जाँच में 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र हमें मिले हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी पुलिस आगे इसमें बढ़ रही है और इसमें बहुत अन्य भी आरोपी और अन्य फर्जी प्रमाण पत्र भी मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। रेलवे कर्मचारी और उसके 8 साल के पुत्र की हत्या सिविल लाइन्स स्थित फ्लैट में कर दी गई। पुत्र का शव तो फ्रिज में भीतर मिला। रेलवे कर्मचारी की गायब पुत्री के मोबाइल से रिश्तेदार को भेजे वॉइस मैसेजेस से इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी मिली। इसमें किसी मुकुल सिंह नामक युवक के हत्यारे होने की बात कही गई। हमारे बड़े भैया कौन कौन यहाँ रहते हैं? वो हमारे भैया और दोनों बच्चे रहते रहे बस। क्या भैया क्या करते? ऑफिस में, रेलवे ऑफिस में। क्या नाम है उनका? पूरा विश्वकर्मा, मतलब राजकुमार विश्वकर्मा चलता है जी। तो घर में कितने लोग रहते हैं? उसमें 3 ही लोग रहते रहे सर। तो वो हो गए पत्नी? नहीं, वो एक्सपायर। क्या हुआ सर? बिल्कुल जानकारी नहीं हम लोग को, सब भी फोन पहुँचा और हमें तुरंत भक्ति हुए आए हैं। आपको अभी जानकारी? हाँ, हमको एक आधा घंटे पहले भांजे का फोन आया कि मामा तुरंत जाओ, वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है मामा जी के साथ, आप बिल्कुल तुरंत। हम लोग तुरंत आ गए पूरे परिवार के साथ अपने। बच्चे कितने हैं उनके? उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। क्या उम्र होगी उनकी सर? उसकी कितनी तनिष की उम्र? 5 साल, 5-6 साल। और बच्चे की वही मतलब 10-15
13-14 कम्प्लीट। किसी चीज़ से कोई परेशान रहते सर? कोई चीज़ से परे कभी उनने ऐसा जिक्र ही नहीं किया सर कि हम लोग इस चीज़ से परे, कोई चीज़ सरकारी नौकरी थी किसी चीज़ से परेशानी नहीं थी। बल्कि अभी वो परसों हमारे घर भी गए थे, परसों तो हम लोग मिल नहीं पाए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। ध्यान पत्नी का कब मई में 6 मई। जबलपुर पुलिस ने तेज आवाज साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की है। मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से साइलेंसर्स बेचने वाले दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। ओमती पुलिस को पिछले कई दिनों से कई शिकायतें मिल रही थीं। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि शिकायतों में बताया गया कि सड़क पर चलने वाले राहगीरों को मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर से काफ़ी तकलीफ हो रही है। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र माह रमज़ान पर्व के मौके पर आज मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान गेट क्रमांक 1 पर हज़रत बाबा मुल्ला जमाली रहमतुल्लाह का उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें दोपहर चादर संदल जुलूस बाबा जमाली पहुंचा, जहां गुलपोशी चादर पोशी की गई। शहर और देश में चैन अमन की दुआ मांगी गई। इस रमज़ान के मौके पर आज बाबा जमाली के दरबार में पहला जुम्मा आम रोज़ा अफ्तार का आयोजन किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुर रसूल करीम मुहम्मद फौज बिललाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरबार जमाली हज़रत बाबा मुल्ला जमालुद्दीन रहमतुल्लाह का चार रमजान को उर्स मुबारक। इस मौके पर दोपहर 3:30 बजे चादर पोशी गुलपोशी का अहतमाम किया गया, बाद इसके अफ्तार का अहतमाम किया गया और बाद नमाज तराबी महफिल समा अबादहू कुल पर उर्सों का अख्ताम होगा। अफ्तार में कसी तादाद से लोग हाजिर हुए और माह रमजान माह सयाम की रहमत बरकात की जो फजीलत है और उसके तमाम आलम मुसलमानों के लिए, तमाम हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए दुआएं की गई और तमाम लोगों को इस आस्थान आलिया से जो फैज हासिल करने का मौका मिला। दरबार जमाली से एक गंगा जमुना तहजीब, एक मोहब्बत, एक इंसानियत का जो पैगाम हमेशा बढ़ता था और बढ़ता रहेगा, ये जारी सारी रहेगा और हम इसी के साथ दुआएं करते हैं। इसी तरह भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, इखलाक बना रखें और अमन और शांति का पैगाम देते रहें। दरबार जमाली, खादिम बाबा जमाली।